Okay, so we are doing the previous year paper of UP Sainik School 2024 class 9th. Teaching section. Here is the very first question. फटाफट से आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन में दिखाई जी आपके सामने FILM फिल्म इज रिलेटेड टू ATGH. आपसे पूछा है मिल्का कोड क्या होगा. तो फिल्म का कोड आपको दे रखा है, आपको मिल्का कोड पूछा है. तो देखो फिल्म का कोड ये बना कैसे, उस अकॉर्डिंग निकालिए मिल्का कोड क्या होगा और फटाफट से आंसर बताइए. बी फास्ट वाइल आंसरिंग एंड कैमराज ऑन प्लीज. कैमराज ऑफ करके मत बैठिए. सामरद कैमरा ऑन करिए. दर्श आज से सभी चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, जिससे पूछना होगा मैं रैंडम. ओके जी बी एंड सी बी सी डी तीन सेपरेट आंसर्स आ रहे हैं जी. शायद चैट बॉक्स में ही बताओ सभी. डोंट रेज योर हैंड्स, स्पेसिफिक नहीं पूछूंगी. देखिए जी एफ जो है वो ए कैसे बना. ए बी सी डी ई एफ फाइव का गैप आ रहा है जी. देन डी जो है वो आई कैसे बना. डी ई एफ जी एच आई फाइव का गैप आ रहा है. देन जी जो है वो एल कैसे बना. जी एच आई जे के एल फाइव का गैप आ रहा है. तो जी सब में अगर फाइव का गैप आ रहा है तो आगे भी तो फाइव का गैप ही आएगा. रैदर माइनस फाइव है ये, सभी के सभी माइनस फाइव का गैप आ रहा है तो आगे भी फाइव का गैप ही आएगा. तो ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें मैं फाइव ऐड करूं कि एम आ जाए. ऑब्वियसली अगर ए के अंदर फाइव ऐड करूंगी तो एम तो नहीं आएगा ना, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं. एच चेक करें. ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम. पहला लेटर तो जी मेरा एच ही होगा 100%. अब मैं कौन सा चेक करूं, सेकेंड लेटर चेक करूं. डी के अंदर फाइव ऐड करो क्या आएगा. डी ई एफ जी एच आई आई आ रहा है मेरा. सेकेंड लेटर क्या हो गया जी मेरा डी, मतलब मेरा डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं. थर्ड लेटर तो मेरा जी ही होगा क्योंकि दोनों में जी दे रखा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं मुझे. लास्ट लेटर देखो एफ के अंदर मैं फाइव ऐड करूं मेरा के आएगा. एफ जी एच आई जे के आ रहा है मेरा के. तो आंसर क्या हो जाएगा एच टी जी एफ विच इज ऑप्शन सी. क्लियर है, आ गया समझ सभी को. चले आगे तो ध्यान से आंसर दिया करो कि रैंडम आंसर्स ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने 80 का कोड दे रखा है. जी आई ई वाई टी एच आपसे पूछा है आउटपुट का कोड क्या होगा. बताइए 80 का कोड दे रखा है आपको, आपसे आउटपुट का कोड पूछा हुआ क्या आएगा आंसर. चलिए चेक कर लेते हैं जी. ई आई जी एच टी वाई 80 का कोड क्या दे रखा है. जी आई ई वाई टी एच हियर इज ई आई जी एच टी वाई. देन कोड क्या दे रखा है जी आई ई वाई टी एच. तो ये जो थर्ड लेटर था फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट लेटर थर्ड पे आ गया, बीच वाला एज इट इज रह गया. सेम ऐसे ही यहां पर भी हुआ तो यही प्रोसेस आउटपुट के लिए भी होगा कि जो थर्ड लेटर पे टी है ये कहाँ आ जाएगा फर्स्ट पे, ये जो फर्स्ट लेटर पे ओ है कहाँ आ जाएगा थर्ड पे, और बीच वाला यू क्या रह जाएगा एज इट इज. पुट के लिए भी यही चीज चलेगी कि टी जो है ये कहाँ आ जाएगा फोर्थ पे, पी जो है ये कहाँ चला जाएगा सिक्स पे, और बीच वाला यू क्या रह जाएगा एज इट इज. तो कोड क्या बनना चाहिए टी यू ओ टी यू पी. कहाँ दे रखा है टी यू ओ टी यू पी ए पार्ट में. आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर है, चले आगे. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 128 कैट इज रिलेटेड टू डी डी वाई इन द सेम वे बिग इज रिलेटेड टू
तो कैट का कोड DDY है, तो बिग का कोड क्या होगा? जल्दी से बताइए। एवरीवन इज गोइंग फॉर ऑप्शन ए। चलिए चेक कर लेते हैं जी वेदर इट इज ए और नॉट। तो जी सी के अंदर +1 करेंगे तो मेरा डी आ जाएगा, देन ए बी सी डी +3 किया मैंने तो मेरा डी आ गया, देन टी के अंदर क्या ऐड करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई +5 ऐड किया। तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, और एनालॉजी के अंदर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर उसने कोड आपको 135 दे रखा है तो आपको भी 135 के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बी के अंदर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी सी, आई के अंदर +3 करेंगे क्या बनेगा, आई जे के एल, देन जी के अंदर +5 करेंगे क्या बनेगा, जी एच आई जे के एल, सी एल एल कहाँ दे रखा है मुझे ए पार्ट में, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए जी आगे चलते हैं। अब मुझे सभी के आंसर्स चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर्स दे रहे हैं बाकी सारे बैठे हुए हैं। बैग इज रिलेटेड टू लगेज इन द सेम वे शिप इज रिलेटेड टू, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बहुत सारे बैग्स को हम क्या कहते हैं, लगेज। सेम ऐसे ही शिप किससे रिलेट करेगा, कार को शिप, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज कार्गो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, 243, 5 क्वेश्चन मार्क। तो 3 का रिलेशन उसने 243 के साथ दे रखा है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3 का रिलेशन 243 के साथ आया कहाँ से, और वही सेम फॉर्मेट में 5 का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड चारिंदर, बाकी सभी जी बी फास्ट। चलिए जी चेक करते हैं, देखो जी 3 का रिलेशन 243 के साथ कैसे हुआ, ले एलसीएम 243 का, 3 8 जे 24, 3 1 जे 3, देन 2 जे 6 7 जे 21, 3 9 जे 27, 3 3 जे 9, देन 3 1 जे 3, यही होगा। तो मतलब 3 का रिलेशन 243 के साथ कैसे है, 3 रेस टू द पावर 5 का रिलेशन है, तो 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे होगा, 5 रेस टू द पावर 5 का ही रिलेशन होगा। तो मैं 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं और शफल कर दूं ऑप्शंस को ही, तो मुझे ऑप्शन से ही आंसर मिल जाए। 5 5 जा क्या होता है जी 25, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है जी 625। तो 625, पहली बात तो सारे जो नंबर्स हैं वो 625 से छोटे हैं, सिर्फ एक डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर 625 से बड़ा है, क्योंकि अभी तो मुझे 5 से और मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने किया थोड़ी, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। अगर बाय चांस आपके पास ऑप्शंस जो होंगे वो आसपास होंगे तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 5 रेस टू द पावर 5 ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी, आगे समझ, चले नेक्स्ट पे। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए, 6 24 5। तो आप इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, फॉर विच मेथड यू आर गोइंग फॉर। सिक्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा,
20 आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन बी विच इज 20, क्लियर। फोर्थ प्रोपोर्शनल से ये कैसे होगा, 6/24 इज इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी आपको, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 6x, डायरेक्टली कटिंग कर दो, 6 1 6, 6 4 24, x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप मैथ्स के फॉर्मेट में जाके भी कर सकते हैं, कोई भी रूल अप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जी, आंसर तो सेम ही आ रहा है। चलते हैं जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन आपके सामने, A2 C4 E6 G3 I है, ये बीच में जो लिखा है 15 नहीं है, इट्स I5, देन M5 O9 Q14, फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर नहीं आया, देते आपका नहीं देना आंसर, मन नहीं है, बाकी सभी भी आंसर करिए। अक्षिता क्या हो गया आज, अंशुमान करिए आंसर, अब मैं एक एक बच्चे का नाम लू, यू आर प्रीटी मच मैच्योर्ड ना इस चीज के लिए। देखिए जी क्या लिखा हुआ है, A C E, सबसे पहले तो नंबर्स देखते हैं कि 2 4 6 कहाँ से आया, 2 + 4 करूंगी तो मेरा 6 आ जाएगा, दिस इज एन अजम्पशन, जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हाँ 2 + 4 करेंगे 6 आ जाएगा, नीचे देखो 9 + 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, आ जाएगा जी, तो यहाँ पर भी तो दोनों नंबर्स की एडिशन चल रही होगी, 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 कहाँ दे रखा है मुझे, सिर्फ बी पार्ट में दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुझे के निकालने की जरूरत है कि मेरा के कहाँ से आया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया, क्या जरूरत है निकालने की, क्लियर। फॉर अ जर्नल हम चेक कर लेते हैं कि के कहाँ से आया, तो देखो A B C D E F G H I, क्या होना चाहिए आगे, J K, समझ आया, एक एक लेटर का गैप चल रहा था, बेसिकली ABCD ही चल रही है बट ऑन द गैप ऑफ वन वन लेटर्स, एम आई क्लियर, समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट पे चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 बताइए, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, आपके पास क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल का है, आपको पूछ रहा है कि इन चारों फिगर्स में से ऑड वन आउट कौन सा है, तो बताइए कौन सा ऑड वन आउट है, ध्यान से देखिए जी, एग्जामिनर कई बार चालू पंती खेलता है और उस चालू पंती से बचना आना चाहिए आपको, वो आपको दिखाएगा कि यही करेक्ट आंसर होगा बट एक्चुअलिटी में वो करेक्ट होगा ही नहीं, जो बच्चे ए कह रहे हैं वो सभी के सभी गलत है। अब गलत क्यों है, वो इसलिए गलत है क्योंकि क्या दिखाया उसने आपको कि ये ऑपोजिट है आपस में डायगनली, लेकिन ये सभी के सभी क्या हैं, सीधे हैं, ये दिखाया ना, लेकिन आप एक चीज तो भूल गए कि ये डॉट एक बॉक्स में है, ये डॉट दूसरे बॉक्स में है, यहां पर भी ये डॉट एक बॉक्स में है, ये डॉट दूसरे बॉक्स में है, यहां पर भी जो डॉट्स हैं वो अलग अलग बॉक्सेस में है, सिर्फ डी पार्ट ऐसा है जहां पर जो दोनों डॉट्स हैं वो एक ही बॉक्स में है, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है, समझ आ गया सभी को, फॉर्मेट क्लियर है, तो ये सारी चीजें देख के चलना, नॉन वर्बल वैसे तो बहुत इजी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था बट
देख के चलना, संभल के। क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए इसको। लाइव, लिटर, लिटिल, लिटरेसी, लेवे। बताइए क्या आएगा कोड। लाइव, लिटर, लिटिल, लिटरेसी, लिविंग। जल्दी से बताइए जी। जी ए बी सी डी, चार आंसर आ रहे हैं। ध्यान से कौन चलेगा पेपर में? मैं आऊंगी बताने के लिए कि ध्यान से चलो। फर्स्ट सिक्योर आंसर्स, ध्यान से देखो आंसर्स को। ठीक है, बी है नहीं, बी है बी है नहीं। जब आपको पता है कि आप किसी चैप्टर में गलती करते हो ना, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से देखा करो, अदरवाइज क्या फायदा, एग्जामिनर में 2 नंबर कट जाएंगे। चाहते हो क्या? क्वेश्चन भी आया, नंबर भी कट गए, क्या फायदा? फिर क्वेश्चन देने का ही क्या फायदा हुआ? चैप्टर पढ़ने का ही क्या फायदा था जिससे आउटपुट ना मिले? चलिए चेक करते हैं। LI, 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 सब में LI कॉमन है। नेक्स्ट लेटर चेक करो। वी टी, वी टी टी, जी पहले ही टी आता है या पहले वी आता है? MNOPQRSTUV, पहले क्या आता है जी? टी आता है। तो मतलब पहले 3, 2, 4 में से ही कोई आएगा और लास्ट में 5 और 1 में से ही कोई आएगा। ये कंफर्म हो गया कि लास्ट में 5 और 1 में से ही होना चाहिए? मतलब मेरा सी पार्ट तो पहले ही कट गया, होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। आगे चेक करो। वी का टी का नेक्स्ट लेटर क्या है? इसका नेक्स्ट लेटर क्या है? टी। इसका नेक्स्ट लेटर टी और इसका नेक्स्ट लेटर क्या है? ई। तो सबसे पहला लेटर क्या होना चाहिए मेरे पास? ई ही आना चाहिए ना, टी तो बाद में आएगा, पहले ई आता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए? लिटरेसी। तो मतलब मेरा बी ऑप्शन और मेरा ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या मुश्किल थी इसमें? मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया। सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन? नहीं, मैंने सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व किया। मुझे ये तक नहीं पता कि लास्ट में पहले 1 आएगा या पहले 5 आएगा। बस ये पता था कि लास्ट में 1 और 5 ही आएंगे, कौन पहले आएगा मुझे नहीं पता। निकालने की जरूरत पड़ी तो जी नहीं पड़ी। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसका फायदा उठाया करो ना, टेक एडवांटेज ऑफ दैट, वरना ऑप्शंस की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली एग्जामिनर आपको सब्जेक्टिव पेपर भी तो दे सकता था ना, फिर कहाँ जाते? ऑप्शंस हैं तो टेक एडवांटेज। एम आई क्लियर? समझ आ गया? चले आगे, चले आगे चलते हैं। 135 बताइए। इन अ सर्टेन कोड, टीचर का कोड दे रखा है आपको। VGE, VGCE, JGT आपको पूछा है। चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? तो टीचर का कोड ये आया कहाँ से? उस अकॉर्डिंग चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? चिल्ड्रन बताइए जी जल्दी से। बताइए चलिए चेक करते हैं। देखिए जी, टी जो है वो क्या बन गया? वी टी यू वी, लेटर में क्या हो रहा है जी? +2। देन ई जो है वो जी बन गया। कैसे बना? ई एफ जी, लेटर में क्या हो रहा है जी? +2। ए जो है वो सी बन गया। कैसे बना? ए बी सी, लेटर में क्या हो रहा है? +2। मैंने 3 लेटर्स चेक किए, तीनों में +2 +2 हो रहा है। मुझे कंफर्म हो गया कि कोड्स में क्या हो रहा है, +2 ही हो रहा है।
तो प्लस टू ही आगे करेंगे, तो सी के अंदर प्लस टू करो क्या आएगा जी, ई ये आएगा ना, देन ई कहाँ दे रखा है मुझे, चारों पार्ट्स में ई दे रखा है। एच के अंदर प्लस टू करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए जे, नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए मेरा, जे। जे मुझे कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है, ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, मतलब मेरा बी पार्ट तो होगा ही नहीं। अब मैं कौन सा लेटर चेक करूं कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाए, लास्ट वाला कर लूं कि मुझे आंसर मिल जाए। एन के अंदर प्लस टू करो क्या आएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी, लास्ट में क्या आना चाहिए, पी, मतलब मेरा सी पार्ट तो होगा ही नहीं। आप कौन सा चेक करें, इसमें कौन सा लेटर है जो अलग है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, फिफ्थ अलग है, फिफ्थ चेक कर ले जो ई है और यहाँ पर एफ है, 1 2 3 4 5। डी के अंदर प्लस टू करो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ कहाँ दे रखा है मुझे, सिर्फ डी पार्ट में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, आगे समझ, दिक्कत परेशानी किसी को भी। चलिए आई एम गोइंग टू गिव यू दी अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस फिल कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। जी हेयर इज द लिंक ऑफ द अटेंडेंस, अटेंडेंस फिल कर लीजिए आपको। ठीक है द्रश, कर देती हूँ। बाकी सब भी चीज जल्दी से करिए अटेंडेंस फिल, हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, बताइए 30 जनवरी 2003 वाज थर्सडे, व्हाट वाज द डे ऑन 2 मार्च 2003। अगर 30 जनवरी 2003 को थर्सडे था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा, चलिए चेक करते हैं, देखिए जी कैसे होगा ये क्वेश्चन। 30 जनवरी 2003 को थर्सडे था तो 31st को क्या होगा, फ्राइडे होगा जी, यही होगा ना, फर्स्ट को क्या होगा, सैटरडे, 1st ऑफ फेब्रवरी को सैटरडे होगा, तो अगला सैटरडे कब आएगा, 7 डेज बाद, 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 8th ऑफ फेब्रवरी को सैटरडे होगा, देन 8 प्लस 7, 15 ऑफ फेब्रवरी को सैटरडे होगा, देन 15 प्लस 7, 22 फेब्रुवरी को सैटरडे होगा, 22 प्लस 7, 29th ऑफ फेब्रुवरी को सैटरडे होगा, और आप सभी को पता है कि 2003 जो है इट इज नॉट अ लीप ईयर, तो लीप ईयर नहीं है तो 29 डेज तो होंगे नहीं ना, सिर्फ 28 डेज होंगे, तो 28th ऑफ फेब्रुवरी को क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, कंफर्म पता लग गया मुझे, तो अगर 28th को फ्राइडे है, नेक्स्ट मंथ चढ़ जाएगा, 1 मार्च को क्या होएगा फिर, सैटरडे, देन 2 मार्च को क्या होगा, संडे, आंसर क्या आ जाएगा, संडे, विच इज ऑप्शन ए। एम आई क्लियर विद इट, आ गया समझ। सबसे इजी तरीका होता है 7 7 डेज लेके चलने का, बिकॉज अगर आप 7 7 डेज लेके चलोगे ना, बहुत इजीली आंसर आएगा और बहुत एक्यूरेटली आएगा, ज्यादा कुछ परेशानी की भी बात नहीं है। क्लियर है जी, दिक्कत परेशानी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन को ऑड डेज से करेगा, किसने अभी ये क्वेश्चन ऑड डेज से किया,
आप इस क्वेश्चन को ऑड डे से भी तो कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ी समझ लेके चलना। हाँ जी प्रियांश, ऑड डे से किया है, कैसे किया ऑड डे से फिर? बताइए और किसने किया ऑड डे से? हाँ जी शैलेंद्र, मैम जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं मैम, 1 डे जनवरी के मंथ में हो गया मैम, 28 डेज फरवरी में मैम, टोटल 29 डेज, फिर मैम मार्च में 2 दिन आ रहे थे मैम, टोटल फिर मैम 31 डेज हो गए। उसके बाद मैम 7 से डिवाइड करके 3 और डेज आ गए, फिर मेरा आंसर संडे। वेरी गुड चैलेंजर। क्लियर है जी सभी को, समझ आ गया? तो देखिए जी कैसे निकला, 30 का था, 31 का एक दिन प्लस ऑफ पूरा का पूरा फरवरी, जिसमें फरवरी जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज आएंगे उसके, प्लस ऑफ कहाँ तक का पूछा है, 2 मार्च का पूछा है तो 2 दिन और 2 मार्च तक के। अब वो आपको जितने पूछते जाएगा आप उतने डेज बढ़ाते जाएंगे, वो एग्जामिनर की मर्जी आपसे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल कितना बना, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 इज 31, तो मतलब 31 डेज का बाद का बता रहा है मुझे, ये बताना है ना। तो 31 के अंदर मैं ऑड डेज निकालूंगी, ऑड डेज निकालने का सबसे इजी मेथड कौन सा है, डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो मतलब हमारे पास ऑड डेज कितने हो गए 3, तो थर्सडे के अंदर 3 ऐड कर दो, क्या बनेगा, थर्सडे प्लस 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आंसर क्या आ जाएगा, संडे विच इज ऑप्शन ए। एम आई क्लियर विद इट, आगे समझ क्लियर है? तो आप जो मर्जी मेथड के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे ऑड डे से निकालो चाहे +7 करो, मर्जी आपकी है। बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।